नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइटर, आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर से मनु सिंघवी को टोका है। मैं यहां पर जो है समलैंगिकता विवाह को लेकर के लगातार जो है चर्चा बना हुआ है, इस चर्चा को लेकर के लगातार कई नए मोड़ जो है वो सामने निकल करके आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कार्रवाई होगी, उनकी तरफ से क्या बड़ा फैसला आएगा, वो अभी तक सबके सामने निकल करके नहीं आया है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी तक वकीलों ने अपनी दलील जो है वो पूरी नहीं की। इसी बीच में मनु सिंघवी ने अपनी तरफ से बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ और मोहलत मांगी, जिस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने उन्हें टोक दिया। क्या कुछ कह रहे थे यहां पर चंद्रचूड़, जरा देखिए इस खास रिपोर्ट में। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। उच्चतम न्यायालय में याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकील जिरा कर रहे हैं। 19 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं 20 अप्रैल को लंच तक अपनी बात खत्म कर लूंगा। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने उन्हें टोक दिया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप आज ही अपनी बात समाप्त कर लीजिए। इस पर सिंघवी ने दलील दी है कि ये ऐसा मसला है जिसे बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है, मैं कुछ फैक्ट्स रखूंगा। सिंघवी की इस बात पर जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि आपको तो कोर्ट में लंबा अनुभव है और आप जानते हैं कि देश में कई अनंत काल तक बहस नहीं चल सकती है। सिंघवी ने जवाब दिया कि कोर्ट ने कई सारे सवाल पूछे और मुझे उनका जवाब देना है। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि इसकी सीमा आज ही है, हमें निर्धारित समय सीमा के भीतर केसेस खत्म करने की आदत डालनी होगी क्योंकि और केसेस पेंडिंग में हैं। उधर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि बेंच से लेकर बार तक ऐसा नहीं है कि हमारे पास इसे तय करने के लिए बहुत लंबा वक्त है, कई बार आप भूल जाते हैं। 19 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया। समलैंगिक विवाह के बाद ऐसे कपल यदि बच्चे एडॉप्ट करते हैं तो उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बेंच ने कहा कि लेस्बियन या गे कपल को अब भी व्यक्तिगत तौर पर बच्चा एडॉप्ट करने की अनुमति है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने केंद्र की दलील पर कहा कि मान लीजिए कि कोई कपल गे रिलेशनशिप में है या लेस्बियन रिलेशनशिप में है तो उनमें से कोई बच्चा गोद ले सकता है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह कहना है कि इससे बच्चे के दिमाग पर असर पड़ेगा ठीक नहीं है, अभी भी जो कानून है उसके मुताबिक दोनों में से कोई बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। एक बार जब आपने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी के से बाहर कर दिया, फिर दो लोग साथ रहने के लिए और अडॉप्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी सुप्रीम कोर्ट गया है। एनसीपीआर में अपनी अर्जी में दलील दी है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1995 और जुवाइनल जस्टिस एक्ट 215 समलैंगिक कपल्स को एडॉप्शन की अनुमति नहीं देता है। एनसीपीसीआर के मुताबिक जुवेनाइल का जस्टिस एक्ट किसी गे कपल को एक फीमेल चाइल्ड अडॉप्ट करने की अनुमति नहीं देता है। एनसीपीसीआर ने कहा है कि शादी का अधिकार और कई अधिकारों और दायित्वों के साथ आता है जो कानून के जरिए प्रोटेक्टेड है। गोद लिया गया बच्चा या सरोगेसी के जरिए बच्चा कई तरह के बेनिफिट सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए है। एनसीपीसीआर ने अपनी अर्जी में अंबूरी राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका का विरोध किया। ये याचिका 20 याचिकाओं में से एक है। ये रिपोर्ट आपने देखी, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल। बाय।